मैं सुबेदार इनाश आप सभी का डेल्टा 105 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज संडे है, हमारी संडे की राइड है और आज हम जा रहे हैं डेल्टा 105 मानेसर, जो कि है आर्मी का थीम पार्क। पूरे आर्मी बेस पे थीम पार्क बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज हम जा रहे हैं डेल्टा 105। अभी मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, रिलायंस स्टैंड पे, और ये फर्स्ट हमारा मीटिंग पॉइंट था और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और सेकेंड मीटिंग पॉइंट है हमारा एम्बियंस मॉल, वहाँ पे भी कई राडार आ चुके हैं, तो मैं मिलवा देता हूँ आपको। तो ये हमारे मुकेश भाई, ये छोटी सी उनकी बेटी जिया। और मैंग, हमारे साथ मैंग भी जा रहे हैं, आज पहली बार जा रहे हैं दोनों, तो खूब धमाल करने वाले हैं हम। तो हमारे साथ मेरी मैडम भी जा रही हैं और मुकेश की वाइफ भी जा रही हैं। तो अभी हरी भाई और आ रहे हैं, हमारे राइडर हैं दोस्त, लेकिन वो अभी आए नहीं हैं, काफ़ी देर होगी वेटिंग करते हुए। तो अब हम निकलते हैं, तो हरी भाई हमें वहीं कैचअप कर लेंगे एमबीएस मॉल पे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन आज हम जा रहे हैं डेल्टा 105, जो कि है आर्मी बेस थीम पार्क। तो वहाँ पे आर्मी की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, जैसे कि वहाँ पे शायद टैंक भी हैं, आर्टिलरी गन्स वगैरह, डेमो के लिए काफ़ी कुछ लगा रखा है, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी आर्मी बेस आई थिंक करने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। अभी मैं हूँ हरिनगर साइड पे, देखिए सनराइज़ हो चुका है और अभी जो समय हुआ है 7:30 बज चुके हैं, और ये दिल्ली कैंट का एरिया है, तो दिल्ली कैंट को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो सेकंड मीटिंग पॉइंट है वो है एम्बियंस मॉल। ये जस्ट मुड़ते ही एम्बियंस मॉल आ जाएगा और यहाँ पे हमारा सेकंड मीटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें और राइडर मिलेंगे, तो उनके साथ फिर मिलके हम जाएंगे आगे अपना डेल्टा 105 में। और अभी हमारे साथ टोटल जो बाइक्स हैं वो मेरे को मिला के टोटल 4 बाइक्स है अभी हमारे पास। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं एम्बियंस मॉल, जो कि पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बस स्टॉप है एम्बियंस मॉल का और ये हमारा मीटिंग पॉइंट है, सेकंड मीटिंग पॉइंट। और यहाँ से अब सीधा चलेंगे हम डेल्टा 105 मानेसर, और ये हमारी बाइक खड़ी हैं पीछे, ये सारी बाइक्स हैं। और ये हमारे हरी भाई जो वो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे साथ राइड करने, रेगुलर। तो भाई के पास है केटीएम, केटीएम चलाते हैं भाई। नाम बताइए अपना। धनेश। धनेश भाई आए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे साथ राइड कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने पास है अवेंजर, चलाते हैं भाई साहब। ये है अंशुल भाई, हमारे फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं, तो बाइक चलाते हैं अपनी 390 KTM। तो अब हम सब मिलके चलेंगे। तो रोशन भाई, तो ये रोशन भाई है हमारे राइडर, तो आज हमारे साथ चल रहे हैं डेल्टा 105 में। तो हम सब इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन हमारा एक राइडर हैं, शेखर सर हैं, वो एमबीएस मॉल तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो वसंत कुंज वाले एमबीएस मॉल पे पहुंच गए हैं, तो ये पंगा हो गया थोड़ा। तो जायद भाई उनको लेने गए हैं, तो वो हम कहीं आगे फिर मिलेंगे। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस देखिए, ये है डेल्टा 105 का रास्ता, और NH8 को हमने लेफ्ट कर दिया है, वहाँ से NH8 से हम लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ आ गए हैं इस रोड पे। और यहाँ से भी तकरीबन 13 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल भाई,
कि अभी 13 किलोमीटर और हमने जाना पड़ेगा आगे, और जो समय लगने वाला है लगभग 20-22 मिनट और लगेगा। लास्ट एट लास्ट हम पहुंच गए हैं डेल्टा 105, जो कि है आर्मी का थीम पार्क। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जीप लगी हुई है, डेल्टा 105 आर्मी बेस थीम पार्क है। तो यहाँ हम अब पार्किंग में जा रहे हैं, बाइक को पार्क करेंगे और यहाँ से निकलेंगे फिर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं डेल्टा 105, ये पीछे हमारी बाइक्स पार्क खड़ी हैं और हमने आगे जाना है फ्रंट पे एंट्री पॉइंट पे। तो आगे चलते हैं। आप सभी का डेल्टा 105 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एंटर कर रहे हैं डेल्टा 105 में। ये है एंट्री गेट सामने, और ये है एंट्री गेट, और ये सैनिटाइज हो रहे हैं। ये देखिए एंट्री, पूरा आर्मी बेस थीम पार्क है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए, एंट्री करते ही हमें एक तोप देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये पूरा बाट लगा हुआ है पूरा चारों तरफ से, और यहाँ से हमने एंटर किया था। तो आगे हमें अब जाना पड़ेगा वहाँ इसके अंदर से। जय कमांडो। जय कमांडो। ये है ब्रेकफास्ट जोन, यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच यहीं पे होता है। तो हम अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं, क्योंकि सुबह से जब हम चले हुए हैं, 7 बजे निकल गया था मैं घर से, उसके बाद कुछ नहीं खाया, और तकरीबन 10 बज चुके हैं, और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हमारे हैरी भाई पूरी प्लेट भरते हुए, और ये जो कि उन्होंने मंगाया था स्पेशली मक्खन। हाँ जी मुकेश भाई, कैसा है नाश्ता? बढ़िया। ऑसम, बहुत बढ़िया मेरे भाई। नाम क्या आपका? रोहन। रोहन, और आपका? धीरज। धीरज, वेरी गुड। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी बढ़िया। और रोशन जम के खाना पैक करवा लिया। सरना मैं आप सभी का इस वार जोन के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आप ये देख रहे हैं, ये बर्बाद बैंकर है। इस तरह से जो बैंकर बर्बाद हो जाता है, उसके अंदर के जवान अपने हथियार के साथ बाहर आ जाता है। अब जो आप ये देख रहे हैं, कहीं देखे हैं आपने इस तरह के ये बॉक्सिंग, ये जेरिकेन? देखिए एक्चुअल में ये एमिनेशन बॉक्सिंग होते हैं। वार्म अप करो, वार्म अप करो, वार्म अप। अभी ये है सेकंड इवेंट क्रॉलिंग, तार के नीचे से क्रॉल करके जाएंगे, और से पहले हमने थ्रो किया था, ग्रेनेड थ्रो किया था, और ये सेकंड इवेंट से। तो गाइस अभी हम आए हैं नेक्स्ट इवेंट के लिए, और ये है पेड इवेंट, पेंट बॉल जो शूटिंग होती है। ये सामने देखिए शूटिंग रेंज है, यहाँ पे दो टीमें, एक रेड टीम एक ब्लैक टीम, दोनों अलग अलग टीमें बनेंगी और फिर अंदर जाएंगी, और 30-30 राउंड मिलेंगे इनको पेंट बॉल के। तो ये शूटिंग करेंगे, एक दूसरे पे अटैक करेंगे। तो ये देखिए सामने, ये है शूटिंग रेंज पेंट बॉल, और ये हमारे पीछे साथी सब तैयार हो रहे हैं। पांच है आप लोग? पांच हो? हम पांच हैं, आप चार हो? हम चार। जल्दी आ जाओ। जब आप उसको प्रेस करते हो तो आपकी गन अनलॉक हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो आपकी गन कंटिन्यू काम करेगी। दोनों टीम अपनी पोजीशन लेके जब भी पीछे जाएंगे वहां से मूव करते हुए आगे आना है। We'll be right back.
और टीम ए विनर रही थी, रेड टीम हमारी, और खूब हमने शॉट मारे, चुन चुन के मारा हमने दुश्मनों को। हाँ जी शक्तिमान जी, भाई साहब बहुत अच्छा ट्रक है, आप भी चला सकते हो। हाँ चलाओ, आप चलाओ, बहुत ही लाजवाब है, पहुंच जाओ पाकिस्तान। स्पीड और इतना मजेदार है, लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। पाकिस्तान ले चलो, इसमें सिर्फ रेस ही रेस है। ब्रेक है ही नहीं, ब्रेक नहीं है, और रेस दिए जाओ, रेस दिए जाओ। अरे वाह, इतनी डैशिंग बन रही है ये तो। चल शर्वणा आ जा, रुको इसको भी आने दो, साथ में दो जाना। पहले मत रखो भाई, पहले नहीं भाई, बैलेंस ऐसे नहीं भाई, ऐसे पकड़ के। हम चल रहे हैं पाकिस्तान की ओर। जा रहा भाई, भाई ने चल रहा है, ट्रक जा रहा है। दो बज चुके हैं और लंच टाइम हो गया है। हमने तीन एक्टिविटी कर चुके हैं, हमने थ्रो किया था ग्रेनेड को, फिर क्रॉलिंग करी थी, और इसके बाद हमने पेंट बॉल खेला, और अभी हमने यहाँ पे फोटोग्राफी करी है शक्तिमान के साथ। अब हम जा रहे हैं लंच करने। तो गाइस अभी हम आए हैं जवान विलेज में, और जवान विलेज में देखिए यहाँ पे देसी खाना मिलता है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, और ये देखिए बाइस्कोप देख रहे हैं बच्चे हमारे, छोटे छोटे बच्चे, बाइस्कोप ये देखिए, ये देखिए बाइस्कोप चल रहा है इनका, और ये देखिए चक्की चलाते हुए अंकल जी, खींचो फोटो खींच दो ना। भाई साहब कुएं में क्या मछली पकड़ रहे हो गए? पानी ला, ये ले बाल्टी अंदर ही छोड़ दी। साग है, ये क्या है? कढ़ी, कढ़ी, साग है, कढ़ी, मतलब। ओहो बहुत बढ़िया, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाओ जी, ये छाछ। तो गाइस अभी मैंने कमांडो एक्टिविटी पूरी कर ली है, 10 स्टेप्स हैं पूरे करने के लिए कमांडो एक्टिविटीज़ के, और मैंने अभी कंप्लीट कर ली है, और हमारे मोस्टली सभी लड़कों ने एक कमांडो एक्टिविटी पूरी कर ली है। ये चारों तरफ देख लीजिए जो भी कमांडो एक्टिविटीज़ है, उसकी आप वीडियो देख चुके होंगे वैसे भी। तो मोस्टली ऑलमोस्ट हमारा जो डेल्टा 105 का आज का दिन बहुत ही शानदार है, और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। एक दो आई थिंक फायरिंग रेंज वाली, फायरिंग शूटिंग वाली एक बची है। भागो भागो भागो, तेज तेज, ये तो गाइस अभी हमने पिट्ठू रेस की है, और सभी लोगों ने, मैंने तो 20 किलो का वेट उठा के रेस की, और इसमें 10 किलो भी है, 5 किलो भी है, तो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से जितना मर्जी वेट लेके भाग सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं शूटिंग रेंज में, और 3-3 राउंड मिलेंगे हमें शूटिंग करने के लिए। और तीन राउंड से तीनों शॉट मारे मैंने। तो गाइज आज हमारी राइड डेल्टा 105 यहाँ पे एक समाप्त होती है। आज हमने बहुत एंजॉय किया, ये मेरे पीछे पूरा ग्रुप है। भारत माता की, भारत माता की। तो अब चलते हैं वापसी दिल्ली को।